हेलो दोस्तों, शेडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 वाले अभ्यर्थी, काफ़ी आप लोगों ने कमेंट किया है। 3,000 प्लस तो सिर्फ कमेंट है, जिसमें आप लोग से जो पूछा गया है एकदम एक्यूरेट आप लोगों ने बताया, साथ में एप्लीकेशन से डाटा, टेलीग्राम से डाटा, और काफ़ी लोगों ने कॉल भी किया बताया कि सर मेरा इतना स्कोर आ रहा है। उसको ध्यान में रखते हुए हर एक एक चीज़ के आपको अवगत करा दूंगा। जो अभी तक छूट रखा था वो भी मैं बता दूंगा, कौन से कैटेगरी पर प्रभावित हो सकता है ये भी मैं आपको बता दूंगा। अदर स्टेट वाले भी, साथ में फ्रीडम फाइटर वाले भी, होमगार्ड वाले भी, सबके लिए ये वीडियो होने वाला है। और आप, ये एक विस्तृत वीडियो है, इसको अंदाजा लगाकर अपना फिजिकल स्टार्ट कर सकते हैं। और जो भी मैं बताऊंगा, इसमें कोई भी मेरा लालच नहीं है कि मुझे कहीं पर किसी को भेजना है या कोई चीज़ रिकमेंड करना है। मेरा बस इतना ही लालच है कि आप लोगों का जो मेहनत है वो साकार हो पाए, और जो आप लोगों ने मेहनत किया उसका एक डायरेक्शन मिल पाए, और वर्दी का सपना आपका पूरा हो पाए। चलिए हम शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं डाटा आप बता रहा हूँ, या तो CSBC से लिया गया है, और जो एक्सपेक्टेड डाटा है वो स्टूडेंटों द्वारा लिया गया डाटा है, ठीक। बाकी अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आप लोग के साथ आज जो बताऊंगा, एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर या कट ऑफ आपका सको कैटेगरी वाइज मेल फीमेल का काफी आप लोगों को कमेंट आया था। इस बारे में मैं आज लास्ट कर रहा हूं कि इसको ध्यान में आप रखिएगा। सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि आपका जो एग्जाम हुआ था वो 7 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त, 25 अगस्त और 28 अगस्त, ये टोटल 6 दिन में 6 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था। पहली बार ऐसा हुआ था कि इतना लंबा एग्जाम चला था, जिसमें 17,87,720 ऐसे आप कह सकते अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड जारी किया गया था, जिसमें से आप देखिएगा 14,38,154 एडमिट कार्ड डाउनलोड किया गया। अब ये देखिएगा 14,38,154 एडमिट कार्ड डाउनलोड किया गया, यानी एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं जो किया गया, वो भी आप 3 लाख के करीब आप देखिएगा, 3 लाख से ऊपर है, ठीक। यानी 3 लाख लोग एडमिट कार्ड ही नहीं डाउनलोड किए। फिर आप देखिएगा जो आपको 14,38,154 एडमिट कार्ड डाउनलोड किया गया, इसमें अगर एग्जाम देने वालों की बात करें तो 12 लाख के करीब, यानी 11,90,000 के करीब आप देखिएगा कि ये आपको एग्जाम में उपस्थित हुए हैं। यानी टोटल का अगर देखा जाए तो 67% उपस्थित हुए हैं। ये आपका अटेंडेंस रहा, इसे दिमाग में जरूर बैठाइएगा, क्योंकि आप जब भी 17-18 लाख बात करते हैं तो आपका कंपटीशन अपने आप ही 6 लाख बढ़ जाता है। लेकिन 18 लाख लगभग, ये देख सकते हैं जो आपको दिखाई दे रहा है, ये लगभग 18 लाख के करीब हो जा रहा है। हर एक बात समझिएगा, तब आगे जाकर अंदाजा आप मिला पाइएगा कि क्यों मैं इतना स्कोर बता रहा हूँ, ठीक। तो ये देखिएगा कि लगभग 18 लाख, 18 लाख में 6 लाख से अब अधिक देखोगे एग्जाम ही अपियर नहीं हुए, एग्जाम छोड़ दिए हैं, यानी एक तिहाई आप कह सकते हो, 36-18, यानी कि लगभग 33% लड़के जो हैं ये पहले ही आपको कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं, यानी रिटर्न में ही बाहर हो चुके हैं। अब आपको इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपका जो भी आपको कट ऑफ तैयार किया जाएगा वो कैसे तैयार किया जाएगा, 30% के हिसाब से। यानी 30% से जिनका ऊपर स्कोर होगा वही आप आएंगे, भले कितना भी कम कट ऑफ जाएगा 30% से अधिक नहीं जाएगा। 100% में 30% आप कर सकते हो, जैसे दरोगा में आप देखे थे मिनिमम जा रहे थे तो 40% ऐसे अभ्यर्थी हो जाते थे, यानी आपको मिनिमम हो बोले तो 35 से लेकर 40% ऐसे अभ्यर्थी थे कि दरोगा में भी आपको मिनिमम 30% स्कोर नहीं कर पा रहे थे। बात को ध्यान में रखिएगा। और भी एक दो बात मैं बता देता हूँ कि ये तो मिनिमम मैंने बताया, मैक्सिमम में आपको देखिएगा पहला भर्ती में तो 50% से ऐसे ऊपर अभ्यर्थी थे जिन्होंने आपको 30% भी स्कोर नहीं कर पाया था। तो ये भी आपको बात ध्यान में रखने की जरूरत होती है। और लगातार भर्ती CSBC छोटा छोटा भर्ती कंडक्ट करा रहा था, लेकिन बड़े भर्ती देखा जाए तो 2020 के बाद ये 2023 में 21,391 पदों की भर्ती आता है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि इसे एकदम जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये बात लोग बहुत लोग नहीं समझा पा रहे हैं, और ये बात आपको समझ में आ जाएगा तो आपका पूरा का पूरा डाउट जो हो जाएगा ये लगभग खत्म हो जाएगा। यहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए इसे समझने की कोशिश कीजिए। आपके पास टोटल सीट की संख्या कितना है, 21,391 है, यानी कि टोटल कैटेगरी वाइज जो सीट है यहाँ पर दिया हुआ है। यानी कि अगर सामान्य वर्ग में देखा जाए अनारक्षित, जिसे क्या बोला जाता है, UR बोला जाता है, इसे हम कह सकते हैं अदर स्टेट वाले भी हो सकते हैं, और जो आरक्षण के लाभ नहीं, मतलब कि आरक्षण के लाभ आपके ऊपर आ जाते हैं, कहने का मतलब अच्छा स्कोर करते हैं तो UR में आ जाते हैं, उनके अभ्यर्थियों के, यानी कि इसी कैटेगरी से आप इसमें आइएगा ना। इसमें बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अदर स्टेट वाले भी होंगे, सिंपल सी बात है, अदर स्टेट वाले भाई होंगे, लेकिन इस कैटेगरी से भी तो बहुत से स्टूडेंट इसमें जाएंगे, इस बात को भी आप लोगों को भली भांति याद रखना चाहिए। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि सामान्य वर्ग जिसे अनारक्षित कहा जाता है, 8,856 के अगर गुणा किया जाए 5, तो यह आएगा 42,780। यानी पिछला जो भर्ती आया था लगभग उतना रिजल्ट तो सिर्फ आपको 40% में देना है। फिर आप देखिएगा EWS का टोटल सीट 2140 सीट है, अच्छा खासा सीट है, यानी कि 10
10,700 रिजल्ट देना है, 5,000 मतलब 5 गुना इनका। अनुसूचित जाति, अब अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी में देखिएगा, जितना मैं कट ऑफ बताऊंगा उससे कम ही जाएगा, अधिक नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें अच्छा खासा सीट है, देख सकते हैं 3400 टोटल सीट है, और इसके 5 गुना किया जाए तो 17,000 लड़कों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ये सभी फिजिकल के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अनुसूचित जनजाति के लिए देखा जाए तो इनका सीट 1% होता है रिजर्व, संख्या इनका 1.5% है, लोहार जाति निकल चुके हैं बाहर, तो इनका आपको कंपटीशन थोड़ा हल्का हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि 228 है, 228 का 5 गुना देखा जाए तो 1,140, लेकिन बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि अपने कैटेगरी से उठकर अनारक्षित में आए होंगे, अच्छा स्कोर लाए होंगे तो उस अनारक्षित कैटेगरी में आए होंगे, फिजिकल में भी अच्छा स्कोर ला देंगे तो अनारक्षित वाला से आपका सीट ले सकते हैं। ये सभी का सीट होता है, ये किसी भी जाति किसी भी ऐसा चीज नहीं है कि एक लोगों के लिए होता है, जो इसमें नंबर आकर खेल जाए, अदर स्टेट वाले भी साथ में रहते हैं तो उनका वो सीट हो जाता है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग बोले अगर हम बात करें ईबीसी, इसे क्या कहा जाता है, ईबीसी बीसी फर्स्ट बी से कहा जाता है, तो ईबीसी में अच्छा खासा सीट है, 3842 सीट है, अगर सभी कैटेगरी वाइज आप सीट दिखाता है तो ईबीसी में सबसे अधिक सीट है 3842। और इस बार क्या किया गया है कि ताती तवा को एससी से हटाकर किस में डाल दिया गया है, ईबीसी में डाल दिया गया है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और आपको देखिएगा कि एसटी कैटेगरी यानी अनुसूचित जनजाति से हटाकर देखिएगा, ये 2 साल पहले लोहार जाति को किस में डाल दिया गया, ईबीसी में, तो ईबीसी में 2 जातियां बढ़ गया है ये भर्ती में, एक आपको ताती तत्वा और आप देखिएगा ये आपको लोहार जाति जिसकी संख्या अच्छा खासा है, तो इस हिसाब से देखोगे ईबीसी जरूर प्रभावित होगा, खासकर मेल कैटेगरी प्रभावित होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं पिछड़ा वर्ग, जिसे हम बीसी सेकेंड बोलते हैं, जिसे आम भाषा में आप ओबीसी बोल देते हैं, ये जो आपको पिछड़ा वर्ग है इसे अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी को बोला जाता है। तो पिछड़ा वर्ग जो है इसका आपको देखो 2570 सीट है और इसके 5 गुना बात किया जाए तो 12,850 जो होगा रिजल्ट इनका देना होगा। और इसमें ही देखिएगा बीसी कैटेगरी के अंतर्गत देखिएगा, यहाँ पर नीचे देखिए बीसी कैटेगरी के अंतर्गत आपको 3% महिलाओं का सीट आरक्षित होता है, 3% महिलाओं का जो सीट आरक्षित होता है वो टोटल आपको 655 सीट है, 655 सीट में आप देखिएगा 5 गुना यानी 3275 सिर्फ ये लड़कियों का, ये कभी भी बैकलॉग में जाएगा ये आपको देखिएगा, इस पर लड़के नहीं आएंगे, यानी कि 3275 जो रिजल्ट होगा ये लड़कियों के लिए होगा, ये कम हो तब पर भी इसमें लड़के नहीं खेलेंगे, बाकी सभी अगर लड़कियां नहीं आ पाती है 35% में तो उसके जगह लड़का ले सकते हैं, इसे भी याद रखिएगा। अब चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल अगर योग देखा जाए तो 21,391 सीट है, जिसके 5 गुना अगर किया जाए तो 1,06,995 आपका रिजल्ट देने वाला है, अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ा रिजल्ट देने वाला है, इसलिए समय भी लग रहा है रिजल्ट तैयार करने में और समय लगेगा भी, और आप लोग ये याद रखिएगा कि इसी समय को आपको सदुपयोग करना है और आगे अपना फिजिकल की तैयारी करना है। अब इससे पहले कटअप बताऊं, उससे पहले मैं बता दूं कि बिहार में फिर भर्ती आने वाला है, जैसे ये भर्ती कंप्लीट होता है फिजिकल, बिहार पुलिस कांस्टेबल का देखोगे कि अच्छा खासा सीट खाली है और 20,000 के करीब बिहार पुलिस कांस्टेबल का, क्योंकि देखो 20,000 तक कैपेसिटी जो बढ़ाना था ट्रेनिंग देने का वो बढ़ चुका है, और उतना ही आप देखिएगा कि भर्ती फिर कंडक्ट कराया जाएगा सीएसबीसी द्वारा ही, तो आप अभी से इसके तैयारी में लगे रहिएगा तो बेहतर प्रदर्शन कर पाइएगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि आपका एग्जाम लगातार होते रहेगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती आते रहेंगे, आपको ध्यान में रखना होगा कि अपने तैयारी में लगना होगा, हर एक पेपर में और भी पेपर में आपको दिखा दूंगा मैं ये सभी जानकारी, और आप लोग भी जानते हैं कि पुलिस मुख्यालय की तरफ से ही बताया गया था कि आपको ये भर्ती रिलीज किया जाएगा। ठीक, अब देखिए लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम देख लेते हैं, लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम 10th क्लास पर किया गया था और सबसे 6ठा नंबर पर देखो, मेघा निर्धारण हेतु बहुसूत्रीय परीक्षाओं के लिए, बहुसूत्रीय परीक्षा मतलब बहुत प्रकार की परीक्षाएं हुई हैं इसमें, यानी अलग अलग लेवल की परीक्षाएं हुई हैं, उनका आपको क्या किया जाएगा, आपको नॉर्मलाइज अंकों के आपको परसेंटाइल लागू किया जाएगा, ये पे 1% यानी नॉर्मलाइजेशन कर परसेंटाइल लागू किया जाएगा, ये आपका ऑफिशियल है, ये अभी तक दिमाग में बहुत लोगों को नहीं बिठा है कि वो सोचते हैं कि ये अपने से लोग बता नहीं, ये आपका ऑफिशियल मैं बता रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ ये अपने समय नहीं बता रहा हूँ, तो परसेंटाइल लागू होगा। आपको देखिएगा पहले पेपर आउट हो जाता था एक शिफ्ट में, देखिएगा काफी ज्यादा रिजल्ट हो जाता था, उसके ही सेकंड शिफ्ट में बहुत कम रिजल्ट होता था, या 22,000 एक शिफ्ट में 2.5 लाख लोगों में रिजल्ट हुआ था, वही आपको 2.5 लाख लोगों में 800 रिजल्ट हुआ था एक शिफ्ट में, तो ये अंतर कैसे दिखाई देता है, वही आपको जब पारदर्शिता नहीं होता है, चोरी हो जाता है, ये सभी आपको देखने को मिलता है, तब जाकर रिजल्ट में लड़के काफी प्रभावी हो जाते हैं। ठीक, यानी प्रभावी दिखाई देते हैं, तो ये चीज आप देखने को मिलेगा। और उससे पहले मैं बता दूं कि विजेता बैच आपको स्टडी मोड एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल वाले अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, हजारों की संख्या में आप भी जुड़ सकते हैं, अभी ऑफर चल रहा है और इसका लाभ उठाइए, और याद रखिए अभी से आप जुड़िएगा तो अभी आपका साइंस चल रहा है, 3 तारीख से आपका आर्ट्स भी स्टार्ट हो जाएगा, साइंस आपको 9th 10th एनसीईआरटी पहले खत्म कर रहे हैं और रेफरेंस बुक के साथ में थ्योरी नोट्स प्रैक्टिस क्वेश्चन साइंस का टेस्ट ये सब, और वैसे ही आपका आर्ट्स भी चलेगा, पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी मिसलिनियस,
और बिहार स्पेशल, ये सभी आपको मिलाकर अगर आप टारगेट करेंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। इसके लिए आपका विजेता बैच आ चुका है, विजेता बैच आप जाइए स्टडी मोड एप्लीकेशन पर, वहां से जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कीजिएगा बेहतर होगा। यानी अपनी ऐप पर जाइए, स्टडी मोड डाउनलोड कीजिए और वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे मैं लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये मैं कटअप रहा, इस कटअप को मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा और उसके बाद और भी बातें हैं जो आप लोगों से करना है। जैसे कि कैटेगरी यहां पर मैं लिख दिया हूं, यहां पर मेल लिखा हुआ है, यहां पर फीमेल लिखा हुआ है, ठीक। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि ये मैं रो स्कोर पर बता रहा हूं, यानी कि आपका जो 100 क्वेश्चन पूछा गया है आपको उसके हिसाब से मैं क्वेश्चन का और बता रहा हूँ, परसेंटाइल पर नहीं, क्योंकि परसेंटाइल वाला सार जो होता है वो अटेंडेंस खेल खेलता है और क्वेश्चन का लेवल खेलता है। तो वो आपको आयोग के पास सारा डाटा उपलब्ध होगा, सीएसबीसी के पास। दो तीन बात और समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी परसेंटाइल आता है तो वो रो मार्क्स से अधिक ही होता है, लेकिन उससे आपको डरने की जरूरत नहीं, उस समय समझा दिया जाएगा तो आप आराम से समझ जाएंगे। मेरे हिसाब से जो लड़के ये बोल रहे हैं कि काफी आसान पेपर था, ये नहीं था। पेपर का लेवल देखा जाए 7 तारीख से लेकर आपको 28 तारीख जो एग्जाम हुआ है, पहली बार मंदारी पूर्वक देखने को मिला है, अलग अलग पेपर देखने को मिला है, इसको ध्यान में रखते हुए सभी चीजें तैयार किया गया है। और आप खुद अगर लगता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर देख लीजिए, जो पढ़े ही नहीं है, जो कभी तैयारी ही नहीं की है, जो उमर खाली के छोड़ने के भरोसे रहते हैं, वही 85-90 बता देते हैं कि उनका बुद्धि खुल जाए और उनका थोड़ा बहुत जो भी लोग तैयारी करें वो भी तैयारी ना करें। तो दूसरे के बहकावे में आइएगा तो बस दूसरा आपको क्या चाहेगा, आप समझो कि एक चोर वाला जो बुद्धि होगा वो चाहेगा कि आपका कभी फिजिकल निकल पाए, वो तो आपको हमेशा डरा रखना चाहेगा, सोचेगा फील्ड में दौड़ो ही ना, अपने घर दौड़ो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं जाना है तो अपने घर दौड़ो, लेकिन दौड़ो जरूर, क्योंकि दौड़ ही सबसे महत्वपूर्ण है, 50 नंबर का होता है। इसलिए मैं देखोगे कि यहां पर आपको जो भी अदर स्टेट वाले हैं और यूआर वाले हैं, इनका मैं 55 प्लस बताया हूं, 55 से 57 55 प्लस, और फीमेल में तो 45 प्लस एकदम धम से बहुत अच्छा स्कोर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि आप देखोगे 40,000 प्लस आप देखोगे यहाँ पर फीमेल का रिजल्ट होने वाला है, लड़कियों की संख्या देखोगे ना के बराबर है, यानी उतना भी नहीं है लड़कों के कंपेयर में देखा जाए तो, ठीक है। अगर हम बात करें बीसी कैटेगरी का, बीसी टू में आप देखा जाए तो टोटल आप देखिएगा 53 से लेकर 55 तक मैंने स्कोर बताया है, और फीमेल में देखिएगा 40 प्लस बताया है, ठीक है। एबीसी यानी कि बीसी फर्स्ट की बात करें, एबीसी जो है स्ट्रीम आपको वैकेट क्लास कर सकते हैं, अति पिछड़ा कर सकते हो, ये 52 से लेकर 54 तक मैंने बताया है और 40 प्लस फीमेल का बताया है, ठीक। ईडब्ल्यूएस में अगर देखा जाए तो इनका देखा जाए 53 से 55 महिलाओं का ईडब्ल्यूएस में कमे जा सकता है, और आपको इसलिए क्योंकि देखिए ईडब्ल्यूएस का अच्छा खासा रिजल्ट होने वाला है और ईडब्ल्यूएस बहुत से महिलाएं भरती भी नहीं, पुरुष भर लेते हैं, महिलाएं नहीं, डरा दिया जाता है तो, ठीक। तो उनका 38 आपको प्लस स्कोर किए हैं तो बढ़िया है। एससी कैटेगरी में देखा जाए तो 44 से 46 जाएगा, इससे भी कम जाएगा, क्योंकि यहाँ से ताती तत्वा हट चुके हैं जिनका संख्या अच्छा खासा था, पढ़ने वालों की भी संख्या उसमें काफी अच्छा खासा था। 2015 से पहले ईबीसी में था, फिर 2024 में ही आपको सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, ताती तत्वा को आप देखेंगे पोर्टल भी आपको दिया गया था एक अलग से खुलकर, उसमें क्या कर दिया गया तो उनको आपको एससी से ईबीसी में डाल दिया गया। तो इनका आपको फीमेल में 35 प्लस है और आपको मेल में 44 से 46 अच्छा नंबर है, ठीक। एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो 45 प्लस आपको मेल में, यानी कि एसटी कैटेगरी का कट ऑफ आप देखिएगा कि 2 साल से कम जाएगा जा रहा है। क्यों कह रहा है, क्योंकि यहां से आपको लोहार जाति को एसटी कैटेगरी से हटा दिया गया है। लोहार जाति जैसे ही हटे आप देखिएगा कट ऑफ प्रभावित हुआ है, दरोगा 1275 निकाल कर देख लीजिए और इससे पहले वाला 2213 वाले दरोगा निकाल कर कंपेयर कर लीजिए, ठीक। या बिहार पुलिस वाला भी कंपेयर कर सकते हैं आप। फीमेल में कम संख्या फॉर्म भरने वाली होती है, दरोगा में तो मिला ही नहीं थी, यानी था ही नहीं संख्या, तो इसलिए देखोगे 35 प्लस में इनका अच्छा खासा स्कोर है। अब बीसी कैटेगरी के फीमेल के जो आते हैं, बीसी कैटेगरी आप देख सकते हैं फीमेल है, ये जो है 3% सीट होता है, ये हमेशा आप देखोगे कि जो आपको बीसी सेकेंड का आपको देखोगे 40 से हमेशा 2-3 नंबर कम ही रहेगा, इसका आप देख सकते हो कि इनका जो आपको 3% सीट है सिर्फ फीमेल के लिए ही है, इनका 38 प्लस हो जाएगा, ठीक। बाकी हम करते हैं फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर आप देख सकते हैं फीमेल का तो पासिंग आप कर सकते हो और मेल का आप कर सकते हो कि 35 से 38, क्योंकि इसमें आपको संख्या अच्छा खासा सीटों का होता है लेकिन लड़के आपको कम है। होमगार्ड वाले 30% से अधिक आपका नंबर लाए होंगे, आपका हो जाएगा। और ट्रांसजेंडर वाले भी आपको आ जाएंगे, बीसी सेकेंड वाला में ही आए जाएंगे, वो भी अपना जो भी आपको सेफ स्कोर यानी कि 30 प्लस अगर लाए होंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, देखो मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी परसेंटाइल लागू है, नंबर बढ़ेगा, ठीक। यानी अब हार्ड सेप में नंबर बढ़ेगा भी, आपको जो है सामान्यकरण किया जाएगा, लेकिन ये भी बात देखने की जरूरत है कि लगभग 20 से 30% ऐसे भी अभ्यार्थी हैं जो कि गोले छोड़ दिए, यानी 50% से कम स्कोर किए हैं, या कोई गोला छोड़ दिया गया, साइन करा लिया गया है। इसके लिए तुम लोग दिमाग में मत बैठाओ कि हमारे बगल में जो बोला है हो जाएगा काम, ये हो जाएगा, रिजल्ट आएगा दूध दूध पानी हो जाएगा, काय चिंता कर रहे हो। बस तुम लोग को उस समय तक इसलिए प्रेशराइज किया जा रहा है कि तुम अपना दौड़ना छोड़ दो और तुम अपने दिमाग इधर उधर जो लगा रहे थे, यानी कि जो पढ़ाई में लगा रहे थे, वो तू डिस्टर्ब कर दे, यानी पढ़ाई में दिमाग ना लगाओ, उन लोगों के बातों में आ जाओ और फिर अपना लाइफ जो है स्पाइल करो। उनको पता है कि हम तो चौपट हो चुके हैं तो अपने साथ भी जाएं, अपने चौपट हो चुके तो 4 लोगों को लेकर जाएंगे तो बढ़िया है कि जो है इन लोगों का भी रिजल्ट नहीं होगा, लेकिन इस बार पढ़ने वाले का रिजल्ट होगा, तुम लोग देखना इस बार तुम लोग का रिजल्ट बनेगा। बाकी और सोच जो सीस बेसिस से डिमांड होते रहे, समय समय पर हम लोग डिमांड करते हैं और हमेशा रखते हैं, और देखिएगा प्रबल रूप से आकर सामने हम रखते हैं, हम पीछे नहीं हटने वाले में है, ठीक।
और लोग कुछ भी बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ और एग्जाम में पारदर्शिता होना चाहिए, यह सबसे बड़ी डिमांड है। और समय के साथ डिमांड उठाना भी सही बात होता है कि आपका डिमांड पूरा भी हो जाए। ठीक, तो ये मैंने बताया आपको, सभी का सभी बता दिया। अगर कोई डाउट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जाते जाते मैं बता दूं कि बीपीएससी में भी आप देखिएगा कि जैसे भर्ती आता है तो आपको सरकार की तरफ से ऐसा बैनर लगाकर प्रचार किया जाता है। इस बार बीपीएससी का भी बड़ा भर्ती है, आप बीपीएससी की भी लोग तैयारी कर रहे हैं, आप देखिएगा अच्छा खासा सीट है। वैसे आप देखिएगा कि जब भी आपको पुलिस का मुख्यालय का बैठक होता है तो आप देखिएगा इसमें साफ साफ कहा जाता है कि अभी जो है बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल में भर्ती करने की जरूरत है, क्योंकि 35% अभी देखोगे अगर हम बात करें कि 35% क्यों सर जी, तो अभी भी सबसे अधिक महिलाओं की अगर देखा जाए संख्या तो आपको तमिलनाडु में ज्यादा मिलेगा परसेंटेज के हिसाब से। बिहार अभी भी तमिलनाडु से नीचे है, बीच में आपको पहले स्थान पर चल गया था। अभी भी 2025 तक आपको जो पहले का टारगेट है कि 35% सामान्य कर लेना है बिहार पुलिस में महिलाओं का, अभी वो कम है और उसी को बढ़ाने की जरूरत है। उसी को बढ़ाने के लिए आप देखिएगा कि अभी महिलाओं की संख्या लगभग 30,000 है और इसको 35% करना है, यानी देख सकते हैं कि स्वीकृत हो चुका है पद, और स्वीकृत हो चुका है पद जो पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं 1,06,436। हर साल देखिएगा कि 5 से 6 हज़ार पुलिसकर्मी रिटायर भी होते हैं, बहुत से ऐसे सीट था जिस पर कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाते हैं, वो सभी को खत्म करना है और बड़े संख्या में भर्ती आपको करना है। इसलिए ये सब आपको न्यूज आपको देखने को मिलता है और आप लोग अभी से तैयारी में लगे रहिएगा तो आप जरूर याद रखिए कि अपना जरूर सफलता हासिल कर पाइएगा। कहीं से तैयारी कीजिए, घर से तैयारी कीजिए, कहीं जाकर तैयारी कीजिए, जहां आपका मन कर रहा है वहां तैयारी कीजिए, लेकिन तैयारी कीजिए और अपना रिजल्ट जरूर दीजिए। और देखिए जो भी मैंने बताया वो आपको कोई को डराने के लिए नहीं बताया, किसी को लुभाने के लिए नहीं बताया। ठीक, लुभाने के लिए बताता तो मैं कट ऑफ ज्यादा बताता, काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताता, इसलिए क्योंकि मैं उस बैच को खरीदवाना होता है। ठीक, लेकिन मैं कम बता रहा हूं, मैं हमेशा बोलता हूं कि इस कैटेगरी के अंतर्गत हो, इस इतना स्कोर आ रहा है तो तुमको रनिंग करना चाहिए, यह नहीं कि तुमको डरना चाहिए, पैर खोलकर रखना चाहिए और रनिंग हमेशा करोगे तो फायदा में ही रहोगे, और फायदा में रहोगे इसलिए क्योंकि मेरिट बनता है। तो तुम्हारा फिजिकल पर ये विजेता बैच है जिसके बारे में आप लोग बार बार पूछ रहे थे, लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यही वीडियो बनना था जिसका डिमांड आप लोग काफी कर रहे थे, सभी डाटा में सभी जो जानकारी है आपको एक जगह लाकर इकट्ठा कर मैं दे चुका हूं। बहुत कंपेयर किया गया, हर एग्जाम से कंपेयर कर मैं ये तैयार किया हूं, और मैं हमेशा बोलता हूं कि ध्यान से तैयारी कीजिएगा और समय रहते तैयारी कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, तो लास्ट में आपको एक महीना पहले ये नहीं लगेगा कि हमने एग्जाम की तैयारी नहीं किया है, बेहतर तैयारी कीजिए। चलिए अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। और अभी तबीयत खराब है तो अभी मैं सुबह ये वीडियो आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं भी आगे क्लास देखिए आज क्या होता है, लेकिन तबीयत खराब चल रहा है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं फिर, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।